भारत के इतिहास में महाराष्ट्र के जेलों को एक अलग स्थान है, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता के अभियान के महान नेताओं को ब्रिटिश ने राज्य के अलग अलग जेलों में रखा था, जिसमें येरवडा जेल का भी अलग महत्व है। इसीलिए ऐसे स्थानों को देखने का अवसर सभी को मिले, इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल पर्यटन शुरू किया जा रहा है। ऐसी जानकारी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्र परिषद में दी। पहली बार गृह विभाग स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को इन ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रिजन टूरिज्म शुरू कर रहा है। यह छात्रों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, एनजीओ के प्रतिनिधियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और येरवडा जेल की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं को देखने और अनुभव करने में सक्षम करेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय करना उचित है कि जेल समाज का एक प्रतिबंधित हिस्सा है। जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल करेगा कि सुरक्षा का उल्लंघन न हो और अवांछनीय तत्वों को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न हो। साथ ही कोविड-19 की पृष्ठभूमि के प्रति उचित देखभाल भी की जाएगी। पर्यटकों को सूचित करने के लिए एक पर्यटक गाइड प्रदान किया जाएगा। जो लोग येरवडा जेल की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपने संगठन के लेटर हेड पर आवेदन फॉर्म पर आने वाले व्यक्तियों के नाम और मूल विवरण का उल्लेख करना होगा। येरवडा जो जेल है, वहाँ पे जेल टूरिज्म नाम की योजना हमने चालू की है, जेल पर्यटन। आप सभी को पता है कि येरवडा जो जेल है, उस जेल में जो भी स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी स्वतंत्र मिलाने के लिए, ऐसे महात्मा गांधी जी, उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल जी नेहरू, सरोजनी नायडू, ऐसे अनेक स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे जिनको अंग्रेजों के टाइम में वहाँ पे बंदिस्त करके रखा था। महात्मा गांधी साहब को जिन्होंने जिस सेल में बंदिस्त करके रखा था, उनका सेल अलग है, वो पर्यटन के लिए हम खुला करेंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब को जिस सेल में रखा था, वो पर्यटन के लिए खुला रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस सेल में रखा था, वो खुला रहेगा। उसी प्रकार उसी जेल में, येरवडा जेल में, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में वहाँ पे पुना करार वहाँ पे येरवडा जेल में किया गया था, एक आम के झाड़ के नीचे, वो भी हम पर्यटक के लिए खुला करेंगे। इस प्रकार इस जेल में बहुत ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें येरवडा जेल में है। महाराष्ट्र में जितने जेल है, उसमें येरवडा जेल को फर्स्ट फेज में हम जेल टूरिज्म के नाम पे पब्लिक को ओपन कर रहे हैं। उसमें 26 जनवरी को दोपहर को 12 बजे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके हस्ते जेल टूरिज्म की शुरुआत येरवडा जेल से पूना में की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।